वाले हैं डीयू एडमिशन, पीजी में आप कैसे पा सकते हैं। अगर पीजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एमएएमएससी इनकम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म जो है आ चुका होगा। यूजी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यूजी का मैं कम्प्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीजी में आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको DU.ac.in पर आपको आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पीजी एडमिशन 2020 है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2020, ये जो है ऊपर में नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देकर आपको लॉगिन करना है। लेकिन आप जैसे ही फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किस कोर्स के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है एंड एंट्रेंस डेट। ओके, ये भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी इसका जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ओके, चलिए अब जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको ऊपर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से दोबारा ईमेल आईडी इंटर करना है और यहाँ पर आपको पासपोर्ट क्रिएट कर लेना है, जो कि मिनिमम कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पर आपको कन्फर्म पासपोर्ट आपको इंटर करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। चलिए आपको जो है यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, तो ये जो है लॉगिन डिटेल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट सेक्शन आपको फिल करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नेम जो है फिल करना है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको नाम जो है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। आपका मिडिल नेम है तो ये आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम जो है इंटर करना है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के डिटेल्स के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर मंथ डेट, इस ऑप्शन के मदद से आप जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी स्टेट कलर का बना हुआ है रेड कलर का, ये आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेशनलिटी जो है आपको सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो है जनरल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट जो है, अगर आप ये ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको इशू डेट जो है आपको यहाँ पर स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ओबीसी सर्टिफिकेट कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको करते हैं, अब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्टेट ऑफ कमी आपको यहाँ पर जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है CW कैटेगरी है, इसके तहत आप आते हैं तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी है, यहाँ पर आप क्रिश्चियन एंड सिख है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर PW कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप जो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी अटेंड, अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप सिंपली आपको सेलेक्ट करना है अदर। अगर यूनिवर्सिटी का नाम अगर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी का आपका नाम नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर OTHER अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है अपना यूनिवर्सिटी का नाम जो है एंटर कर देना है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी का नाम हो यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको मदर फादर या गार्जियन नेम आपको इंटर करना है, ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद जो है आपको सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है यस पे आपको टिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, चलिए यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ।
तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर जो है जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड किए हैं उस पर जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा 6 अंक का, जिसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। ये जो कैप्चा शो कर रहा है कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। ओके, तो सभी स्मॉल लेटर में कैप्चा होगा तो आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है, जैसे कि XUUXAYI। ओके, उसके बाद यहाँ पर सबमिट OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि आपका सक्सेसफुल फुल जो है वेरीफाई जो हो चुका है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट इंटर करना है, और ये जो कैप्चा शो कर रहा है कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे पहले आपका ऊपर में जो है पर्सनल डिटेल्स शो करेगा, तो यहाँ से आपको कुछ नीचे कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे पहले जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि आप 100 पिक्सल का होना चाहिए। ओके, JPG फॉर्मेट में ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम साइज 50 KB का होना चाहिए। ओके, एंड मिनिमम डायमेंशन इतना पिक्सल का होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर आप मान के चलिए अगर आईडी यहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, जो कि भरना अनिवार्य है। हम देख सकते हैं इस तरह का साइन बना हुआ है, ये आपको भरना अनिवार्य है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज जो है 500 KB होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर OBC SC ST के से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 500 KB से कम होना चाहिए। ओके, यहाँ पर JPG फॉर्मेट। ओके, तो आपको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फाइल जो है चूज कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो आ चुका है। उसी तरह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर लेना है, सभी डिटेल्स आपको सही सही फिल करके। ओके, उसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, जो कि Address Line 1, Address Line 2। ओके, तो यहाँ पर आपको एड्रेस जो है इंटर कर लेना है। ओके, इसके बाद यह है डू यू हैव ए पासपोर्ट, तो है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर है तो आपको दे देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पेरेंट का जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर दे। ओके, अगर आपका पैसा अगर वापस होना है तो इसी बैंक अकाउंट में वापस होगा। ओके, अगर किसी कारण बस अगर पेमेंट आप कर दिए हैं, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर पैसा जो है आप इसी अकाउंट के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसके भी अकाउंट का नाम है यहाँ पर आपको नाम इंटर कर देना है, यहाँ पर बैंक नंबर आपको इंटर करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म बैंक अकाउंट इंटर करना है, और यहाँ पर जिस बैंक में भी खाता हो उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर आपको FC कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर हॉस्टल जो कमेंट पूछ रहा है, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर है रेसिडेंट स्टेट, तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट जो है यहाँ आपको अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। ओके ओके, तो सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद जो है यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। या अगर कोई भी डिटेल्स आपको यहाँ पर एडिट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट अपलोडेड फाइल, तो यहाँ क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से आपको क्लिक करना है सबमिट माई प्रोफाइल पर। तो जैसे ही आप सबमिट माई प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुका है। आई हैव अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर 10 सर्टिफिकेट भी अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पर आई हैव अपलोडेड माई सेल्फ एड्रेस फोटो आईडी प्रूफ, एंड उसके बाद जो है आई हैव अपलोडेड माई कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ओनली SC ST OBC EWS कैटेगरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। यहाँ पर एक बात आपको जान लेनी है कि प्लीज़ वेरीफाई ऑल योर अपलोडेड फाइल, वंस सबमिटेड नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल। ओके, एक बार अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर आप डिसमिस करके अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट अपलोडेड फाइल आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके अभी भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर
आई कन्फर्म द एप पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर सेव माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए आपके इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर फोर स्टेप में जो है अप्लीकेशन को कंप्लीट करना है पीजी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अदर प्रीफ्रेंस है, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू है, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ओके, आप जैसे यहाँ पर नीचे करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि 10+12 का आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि सब्जेक्ट आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे कि मैं साइंस हूँ, साइंस सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्ट्रीम से हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बहुत सारे बोर्ड है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। यूरोप पास से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए 12th में आपको इंटर करना है, परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप अभी तक पास आउट नहीं हुए हैं यानी कि एप्रिंग में है, तो यहाँ पर आपको येस या नो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अगर पास हो चुके हैं तो येस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिग्री में जो है आप किस स्ट्रीम से पास आउट हो चुके हैं, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको स्क्रॉल डाउन करके। ओके, चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस था तो कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड ओके, तो ये आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट आकर खुल चुका है। तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना है। ओके, अदर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम जो है इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस साल पास आउट हो चुके हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क कितना था और आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और यहाँ पर परसेंटेज या ग्रेड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो आपको जो है इस तरह से आपको यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई और भी आप यहाँ पर डिटेल्स लेना चाहते हैं, कोई और भी आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर आप जो है इंटर कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद है नंबर नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंड, तो यहाँ पर आपको कॉलेज नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट प्रोग्राम यू विश टू अप्लाई। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरह से जो है यहाँ पर ढेर सारा कोर्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा कोर्स है, जैसे कि सभी कोर्स के लिए है यहाँ पर, जैसे कि पीजी के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए। ओके, तो आपको यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एमसीए के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एमसीए सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमकॉम, एमसीए। ओके, ये इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चूज एडमिशन क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर एंट्रेंस बेस से है, तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस बेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बीए एक बार सेलेक्ट करता हूँ, चलिए आपको बताने के लिए, जैसे कि सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जैसे कि एमए सेलेक्ट करता हूँ, एमए हिंदी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसमें भी इंट्रेंस बेस होता है। ओके, चलिए यहाँ पर मैं एमसीए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको जो भी आपको प्रोग्राम में इंटरेस्ट है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको इंटरेस्ट पे आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि एक ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कैटेगरी कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, ओके, इसके लिए एमसीए के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद मार्क्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% मार्क जो होना चाहिए तभी आप जो है एमसीए में एडमिशन पा सकते हैं। ओके, तो चलिए इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही टिक करेंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट योर ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है। चलिए यहाँ पर 3 सेंटर है जो कि आपको यहाँ से जो है एक ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर जो है सेंटर आपको यहाँ पर 3 सेंटर जो है चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेंटर 3 सेंटर सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप अपना जो फर्स्ट सेंटर ये यहाँ पर चूज कर रहे हैं ये आपको नज़दीकी देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 1। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
ओके उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं आई एम चेक ऑल एंट्री जी, ये आप देख सकते हैं ये प्लीज वेरीफाई ऑल योर चॉइस वन सबमिटेड नो चेंज मॉडिफाई विल बी पॉसिबल। उसके बाद जो है आई कन्फर्म पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके और कोई भी डिटेल्स अगर यहाँ पर गलती है तो आप यहाँ पर डिसमिस करके आप इसे सही कर सकते हैं। चलिए इस पर टिक कर देते हैं और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक, तो यहाँ पर आपका पीओवी दिखाएगा दिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन, कोई भी आप एक बार चेक कर ले पूरा डिटेल्स, कोई भी गलती है तो आप जो है क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो है सही कर सकते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको पे फी पर आपको क्लिक, चलिए तो आपको यहाँ पर पे फी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो 750 रुपये आपको जो है पेमेंट, आपको फी जो है पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपको जो है अपने कार्ड नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है। ओके तो इसके लिए पीजी के एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा। ओके तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप DU में एडमिशन पा सकते हैं पीजी कोर्स के लिए और अप्लीकेशन फॉर्म आपको आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड।